व्यक्ति करता है सामायिक, क्यों और कैसे, चलो जानते हैं हम आज इस पर विस्तार से। सामायिक यानी समय, समय यानी आत्मा, आत्मा के साथ रहना, उसके आसपास रहना ही है सामायिक। क्या आपको लगता है कि दो लाइन बोलने से आपके पाप कर्मों का बंधन एकदम से रुक जाएगा? शायद नहीं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उस शब्द के साथ यदि भाव जुड़े तो होगा ये सही। हमें जानना है इसका रास्ता क्या। शब्द हम कहते हैं कलिमी भंते डॉट डॉट, निंदानी ग्रहानी अपान वो सिरानी, क्या इन शब्दों की पहचान हमने की, क्या समझा है उसके मतलब को, चलो जानते हैं इसे। हमारे एंडिंग में जो चार शब्द कहे गए हैं, परिक्रमामी निंदामी ग्रहामी अपानम वो सिरानी, ये एक मैजिक सॉल्यूशन है लाइफ की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज का। स्ट्रेस बस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। परिक्रमामी मतलब रीलिव टू रिलीव। चलो हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जिस पास्ट को हमेशा हम भूलने की कोशिश करते हैं, चलो फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं पिछला दिन कैसा रहा, पिछला महीना कैसा रहा, पिछला सीजन कैसा रहा, पिछला साल कैसा रहा। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जाकर कि अपने अंदर क्या मैंने गलतियां की, और हम जैसे रियलाइज करते हैं। तो सेकेंड स्टेप आता है निंदामी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई डिड एंड हेंस आई विल लाइक टू रिजॉल्व इट, डिजॉल्व इट। तो हम एक्सेप्ट करें उसे, अपनी गलती को जाने, सेकंड उसे एक्सेप्ट करें, थर्ड है उसे डेयरिंग के साथ अपने मम्मी पापा से अपने गुरुजन से शेयरिंग करें, वो है ग्रहानी। गुरु के सामने अपनी गलती को मानना, स्वीकारना, बहुत बड़ा साहस, और जो करता है वो विशुद्ध बन जाता है। और लास्ट है अपानम वो सिरानी, उसे रिलीज कर दे, उसे छोड़ दे। स्वीकारना जितना जरूरी है, उसे फिर छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो डोंट थिंक द पास्ट इज द प्रॉब्लम, बट पास्ट गिव्स यू अ सॉल्यूशन। पीछे फ्लैशबैक में जाए, जाने और सारे स्ट्रेस को जाने दो। तो जानो और जाने दो, इस मार्ग को हम कहते हैं सामायिक का प्रोग्राम।